नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका। ट्वेल्थ करने के बाद जो कॉलेज सिलेक्शन का डिसीजन होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन होता है, जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि हमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी जांच किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले कर लेनी चाहिए। अगर आप कॉलेजेस की बात करें, अगर मैं जीटीयू की ही बात करूं तो लगभग जीटीयू के अंदर 107 कॉलेजेस आते हैं और लगभग 28 यूनिवर्सिटीज हैं। इस तरह से 137 टोटल इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है। कई सारे इंस्टीट्यूट के आपको कॉल्स भी आते होंगे और वो आपको बताते होंगे कि उनका कॉलेज बहुत अच्छा है, उसमें एडमिशन लीजिए। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है, इसके लिए हम वीडियो की पूरी सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम पहली चीज देखेंगे, वो है रैंक ऑफ द कॉलेज। जी हाँ, मैं आपको जीटीयू यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेके बताता हूँ। हर स्टेट में कोई ना कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है। गुजरात के अंदर जीटीयू यूनिवर्सिटी है। जीटीयू यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 107 कॉलेजेस आते हैं और जीटीयू सबके सब कॉलेजेस में एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है और एग्जाम के रिजल्ट के आधार पर किस कॉलेज के कितने ज्यादा बच्चे पास हुए हैं उसके आधार पर पूरा का पूरा रैंक बनता है। जिसमें सबसे अधिक बच्चे पास हुए होते हैं उसको रैंक वन दिया जाता है और जिसमें सबसे कम बच्चे पास हुए होते हैं उसको लास्ट रैंक दिया जाता है। तो इसके आधार पर रैंक बनता है और उस लिस्ट को देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी ज्यादा पढ़ाई होती है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है। फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में सबसे पहले नंबर पे है सैफरनी कॉलेज। गुजरात के जीटीयू के सभी कॉलेज में सबसे टॉप पर जो आया है वो सैफरनी कॉलेज है, पहले नंबर पर आया है। अब देखते हैं हम सेकंड ईयर का रिजल्ट। सेकंड ईयर के रिजल्ट में आप देखेंगे कि जो सैफरनी कॉलेज है वो थर्ड नंबर पे है और देखिए ये है थर्ड ईयर का रिजल्ट और इसमें सैफरनी का जो है चौथा नंबर आया हुआ है। ये जो पीडीएफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस लिस्ट को देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज का रैंक कितना है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल रैंक के बेस पर या एग्जाम के बेस पर ही हमें तय करना है? जी नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके आधार पर हमें ये चेक करना होता है। जैसे कि कॉलेज में प्लेसमेंट कितना हो रहा है, क्या कॉलेज के अंदर नेशनल लेवल के कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं, इसकी जांच कैसे की जाए और अलग अलग प्रकार के कितने और कैसे कितने महत्वपूर्ण इवेंट कॉलेज ऑर्गेनाइज करता है जिससे विद्यार्थी मित्रों का संपूर्ण विकास हो। इन सब बातों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इंजीनियरिंग के साथ साथ स्कॉलरशिप भी चाहिए तो आपको 100% तक भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर उसके बारे में अधिक जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो की लिंक दी है, वो वीडियो देखकर आपको स्कॉलरशिप के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एसीपीसी से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, एसीपीसी से प्रोसेस कैसी होती है वह जानना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपका एसीपीसी से रिलेटेड, कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड या स्कॉलरशिप रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप यहाँ दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं, हम आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वो वीडियो देख पाएं सबसे पहले। ये वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।